और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है कि बस पुल से खाई में समा गई, इसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी, झज्जर कोटली इलाके में हादसा हुआ है, एक बस जो है खाई में गिर गई है, 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं, झज्जर कोटली इलाके में हादसा हुआ है। और रजत वोरा इस वक्त हमारे साथ, रजत वोरा, पुल से खाई में बस गिर गई है, कितनी कैजुअल्टीज की जानकारी मिल रही है, शुरुआती इनपुट क्या है, दर्दनाक हादसा? जी बिल्कुल, इस समय हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं, झज्जर कोटली का इलाका है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का, और एक बस जो है अमृतसर से कटरा की ओर जो है वो जा रही थी जिस समय हादसा पेश आया। आप देख सकते हैं बस की तस्वीरें, जो टुकड़े हैं और साथ में जो आगे के जो दो टायर हैं वो ऊपर ही रह गए, और साथ में जो खाई है उसके साथ ही लगती खाई जो है उसमें जाके ये बस गिरी है। करीबन 75 लोग इसमें सवार बताए जा रहे थे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 लोगों की जान जाने की खबर जो है वो अभी तक आई है, और साफ तौर पर SDRF और जम्मू कश्मीर की पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं, लगातार कोशिशें की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा सके, और बस की जो हालत है वो काफी ज्यादा खस्ता है। जिस तरह की जानकारी है वो यही है कि ये अमृतसर से जो है बस निकली थी और माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा जो है वो जा रही थी। फिलहाल के लिए आप तस्वीरें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी, वो मौके पर पहुंच रहे हैं, एम्बुलेंसेज लगातार मौके पर पहुंच रही हैं ताकि बॉडीज को जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। और साफ तौर पर जो है इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर जितने भी लोग जिनकी जान चली गई है उन्हें जल्द से जल्द जो है उनकी बॉडीज को गोरा मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया जा रहा है। पूरी तरह से सिचुएशन जो है वो टेंस है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं सीनियर वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, और लगातार खून से लथपथ इनकी जो बॉडीज हैं वो यहाँ पर, इनकी जो वर्दी है वो पूरी तरह से यहाँ पर हो चुकी है, एम्बुलेंसेस लगातार गोरा मेडिकल कॉलेज जम्मू से यहाँ पर पहुंच रही है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर लगातार हम ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर काफी चिंता का माहौल जो है बना हुआ है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए बस जो है वो निकली थी, और उसके बाद ये हादसा जो है पूरा पेश आया है। SDRF की टीमें लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला रही है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ से आ रही थी बस, कहाँ जा रही थी? अमृतसर से आया था कटरा के लिए। तो कितने लोग सवार थे इसमें? 75 आदमी थे। तो कितने लोगों की जान गई? 13 आदमी तो चले गए मेरे। अच्छा। तो अभी भी और लोग कुछ हैं? अभी नहीं मालूम है मुझे। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले? बिहार का। तो सारे लोग बिहार के थे? बिहार लखीसराय जिला, बेगूसराय जिला। अच्छा, तो ये आपने बस बुक की थी अमृतसर से? हाँ। तो दर्शनों के लिए जा रहे थे क्या? मुंडन कराने के लिए जा रहे थे। तो साफ तौर पर काफ़ी मुश्किल से ये जो है बोल भी पा रहे हैं, बिहार के रहने वाले सभी लोग एक बस बुक कर माता वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पर मुंडन करने जो है वो जा रहे थे, और फिलहाल के लिए यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस है, और लगातार जो जिस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि 10 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान चली गई है और कई सारे लोग जो है वो इंजर्ड हैं। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की पहली प्राथमिकता ये कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उन्हें जल्द से जल्द गोरा मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुँचाया जा सके, ताकि उन्हें प्राथमिक उपचार जो है वो मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके, और बाकी जिनकी जान चली गई है उनकी बॉडीज़ को। रजत वोरा ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, विजुअल दिखा रहे हैं दर्शकों को, बेहद दर्दनाक हादसा, एक बस जिसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, एक मुंडन सेरेमनी के लिए परिवार के सभी लोग जो कि बिहार के निवासी है वो सवार थे। वैष्णो, हाँ अभी नहीं पता चला। और भी है कोई आपके साथ जो यहाँ? हाँ है, एक इधर है। क्या है? क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर, कहाँ आप जा रहे थे बस में? वैष्णो माता दर्शन करना है। तो क्या हुआ आपको, कुछ याद है क्या हुआ उसको? कुछ नहीं पता, चल रहा था, हम सब तो सोए हुए थे, थोड़ा सुबह के टाइम था सोए हुए थे, पता नहीं चला कि उस डायरेक्ट और ये सब हुआ। तो बस एकदम से ऐसे उलट गई? ये तो हमको भी पता नहीं कि कैसे उल्टा क्या हुआ, सीधे देखें ये कितने सब लोग थे? करीब करीब 70-75 आदमी थे। 70-75 थे, तो उनको फिर अब ले गए हैं यहाँ इंजर्ड जितने हॉस्पिटल ले गए सब? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग गए हैं और जा भी रहे हैं। और जा भी रहे हैं।
लोगों का ये कहना है कि इस बस में 70 से 75 लोग थे और सोते सोते ही देखिए उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लगातार हमारे सहयोगी रजत लगातार बने हुए हमारे साथ। रजत, क्या सभी लोगों को बस से निकाल लिया गया है क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है इस हादसे को हुए? जी बिल्कुल, अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से लगातार वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी लगातार दिखा रहे हैं। अभी भी इस तरह की आशंका है कि कुछ लोग जो हैं वो बस में दबे हुए हैं, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं ताकि पूरी तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द कम्प्लीट किया जा सके और इंजर्ड जितने भी हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल जो है वो पहुँचाया जा सके ताकि उन्हें उपचार मिल सके। और जिस तरह का ये वाक्या है वो काफ़ी दर्दनाक है क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है वो ये वाक्या हुआ है। आपको एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे किस तरह से पूरा वाक्या पेश आया। ये जो इलाका है ये जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से जो है वो कटरा की ओर ये बस जो है वो जा रही थी। अमृतसर से ये बस जो है उसने शुरुआत की थी और ये सारे लोग जो है बिहार के थे। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों पर जो है वो यहीं पर पहले जो गाड़ी है वो उसने नियंत्रण खोया और उसके बाद यहीं से होती हुई इस पूरे डिवाइडर को क्रॉस करती हुई सीधा ये जो है सामने का जो पुल है इसे तोड़ती हुई गाड़ी जो है वो खाई में जा गिरी। और गाड़ी की जो हालत है, जितनी खस्ता हालत है, वो साफ तौर पर बताती है कि कितना दर्दनाक ये हादसा था। गाड़ी के जो आगे के दो टायर थे वो पूरी तरह से पुल के ऊपर ही रह गए और जो गाड़ी है वो खाई में जा गिरी। 75 लोग सवार थे। 10 दर्दनाक सड़क हादसे के साथ आज इस खबर के साथ दिन की शुरुआत हुई है। 10 लोगों की अब तक जानकारी है कि इस सड़क हादसे में जान जा चुकी है और ये डेथ टोल जो है वो बढ़ भी सकता है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार हो रहे हैं। 70 से 75 लोग इस बस में सवार थे। ग्राउंड से रजत वोरा आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। Z News।